नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आज हम आपको बताएंगे कि दौसा जिले में मिशन आर्या के तहत कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने और कुपोषण से मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर की पहल पर मिशन आर्या शुरू किया गया है। इस पहल के तहत बच्चों को हेल्दी डाइट दी जा रही है ताकि जिले को कुपोषण से मुक्त बनाया जा सके। दौसा जिले के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने। जिला कलेक्टर ने इसके लिए मिशन आर्या का गठन किया, जिसका उद्देश्य है दौसा जिले में कुपोषण के स्तर को कम करना। मिशन आर्या के तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर 12 दिवसीय स्नेह और पोषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले भर में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहले स्क्रीनिंग करवाई गई, उसके बाद मिशन आर्या का गठन किया गया। देखिए, मिशन आर्या एक बहुत ब्रॉड मिशन है और काफी लार्ज स्केल पर हमने लिया है। उसके बीच में मेनली जो मेन थीम है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। उसके बीच में अलग अलग हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके बीच में हम महिला क्लब बना के ये कर रहे हैं कि महिलाओं को जागरूक कैसे किया जाए, महिलाओं के जितने नियम हैं, कानून हैं, वो उनको कैसे बताया जाए। हमारे पास अलग अलग एक्ट में अलग अलग एम्पावर किया गया है महिलाओं को, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, वो सारे कानूनों की उनको सीख दी जाए, पढ़ाई कराई जाए, वो तो एक पार्ट है। सेकंड है, इसी के बीच में हम नेचुरल हाइजीन प्लस जो सेफ टच अनसेफ टच है, सेल्फ डिफेंस है, ऐसी एक्टिविटीज स्कूल के माध्यम से कर रहे हैं। जो विमेन क्लब है वो हम महिला अधिकारिता के माध्यम से वो क्लब्स बना के उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मिशन आर्या के तहत जिले में अभी तक 135 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करते हुए 4500 से अधिक कुपोषित और 1200 अति कुपोषित बच्चों को इन शिविरों में उपचारित किया जा चुका है। शिविरों के सफल संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास की महिला पर्यवेक्षक और एनटीटी को शिविर प्रभारी नियुक्त किया जाता है। शिविर के दौरान खुद जिला कलेक्टर पहुंचते हैं और परिजनों से संवाद भी करते हैं। इन शिविरों की निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर करते हैं। मिशन आर्या के तहत प्रोजेक्ट भीम में कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का पंचायत स्तरीय प्रबंधन किया जा रहा है, जिसके तहत पायलट बेसिस पे 2 पंचायतों के चयन करते हुए उसके बाद अभी तक वर्तमान के अंदर 98 पंचायतों को हम लोगों ने कवर किया है, जो कि 286 कुल पंचायतें यहाँ पर है। शिविर शुरू होने से पहले हमने एक बेसलाइन सर्वे कराया था, जिसके अंदर 11523 कुपोषित बच्चे और 270 अति कुपोषित बच्चे पहचाने गए थे। परंतु जब उन्हें पंचायती स्तर पर हम लोगों ने शिविर लगाया तो वो भी 98 शिविरों के अंदर 3123 कुपोषित और 918 अति कुपोषित बच्चे अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एक मोटा मोटी अनुमान ये है कि लगभग 12000 से 15000 के बीच में कुपोषित बच्चे हमारे पास आइडेंटिफाई हो सकते हैं और 3000 के आसपास अति कुपोषित बच्चे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। शिविर के दौरान एक और जहां बच्चों को मुरमुरे, दलिया, खिचड़ी, हलवा और फल के रूप में हेल्दी डाइट दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों की जांच कर उन्हें दवा भी दी जा रही है, जिससे कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे जल्द से जल्द रिकवर हो सके। बच्चों को 12 दिन तक शिविर में टीकाकरण, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है, जिससे प्रत्येक बच्चे के वजन में औसतन 200 से 300 ग्राम वृद्धि दर्ज की गई है। मिशन आर्य हमारे पंचायत में 12 दिन का आयोजित किया गया है, जिसमें 45 बच्चों को अति कुपोषित व कुपोषित बच्चों को आहरण के रूप में दलिया, खिचड़ी, दूध और फल आदि प्राप्त किए गए हैं, जिससे हमारी ANM बहन जी के द्वारा मल्टीविटामिन, आयरन आदि दवाइयां भी दी गई हैं।
दौसा जिला कलेक्टर ने महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस करते हुए मिशन आर्या का गठन किया और उस पर तीव्र गति से काम भी शुरू किया, जिसके सुगम परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जिले के बच्चों में से कुपोषण की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। वहीं मिशन के तहत जिले की महिलाओं को एनीमिया से भी उबारने का काम किया जा रहा है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।